के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। फाइनली जो है रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं, अभी जस्ट नया अपडेट आई है रिजल्ट को लेकर। सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, अभी लाइव मैं प्रूफ दिखाऊंगा रिजल्ट को। गूगल खोलने के बाद आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी लिख दे, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने मुंगेर यूनिवर्सिटी लिख के क्या करना है सिंपली सर्च कर दे। तो जैसे ही मैंने मुंगेर यूनिवर्सिटी सर्च किया है तो उसके सामने आपको एक दिखेगा पार्ट 3 रिजल्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक पे कीजिएगा तो यहाँ पे मैं अभी रोल नंबर डाल के दिखा रहा हूँ, आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख। तो मैंने यहाँ पे देखा रोल नंबर डाल दिया, अभी मैं कॉलेज सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैंने कॉलेज भी सेलेक्ट कर लिया है GMS कॉलेज। अभी मैं कैप्चा डालने वाला हूँ, तो आप फाइनली देख ले मैंने सब चीज़ यहाँ पे भर लिया। भरने के बाद मैं अभी सर्च करके आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली मैंने जैसे ही सर्च किया यहाँ पे देख सकते हैं नाम आ चुका है, ये वेब कॉपी अविनाश मंडल BA पार्ट 3 कॉलेज GMS कॉलेज देख सकते हैं। उसके बाद सत्र यहाँ पे देख सकते हैं 21 से 24 का सत्र है और कॉलेज का नाम GMS देख ही लिए हैं। उसके बाद उनका रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश ऑनर्स था यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो कि अभी मैं दिखा रहा हूँ पार्ट 1 का है। उसके बाद पार्ट 2 का यहाँ पे शो कर रहा है और पार्ट 3 का भी यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप देख लिए पार्ट 3 का भी। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट इनका देख सकते हैं, परसेंटेज में 516 नंबर लाया है, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है जो कि 64.50% 1500 में, और फर्स्ट डिवीज़न से पास किया तो फर्स्ट डिवीज़न पास किया। तो रिज़ल्ट फाइनली आप लाइव देख ली, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि रिज़ल्ट फाइनली आप किस तरह देख सकते हैं, जो कि पार्ट 3 का मैंने अभी आपको दिखाया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा जरूर करें। धन्यवाद।